एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत दिन के बाद मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ और पता नहीं ये भी ब्लॉग कब डलेगा, पर ब्लॉग बना रही हूँ। तो अभी है हम लोग का लॉन्ग वीकेंड, 4 डेज का मेमोरेबल डे एंड सैटरडे संडे पड़ गया था। तो आज हम लोग जा रहे हैं बेर माउंटेन। वहाँ पे हम लोग बस, राजेश के एक फ्रेंड है, उनकी फैमिली है, तो हम लोग बस ऐसे ही थोड़ा पिकनिक टाइप का बाहर जाके करेंगे। एंड मैंने ये जो ड्रेस पहना वो है शीन से, बहुत प्यारा एंड कंफर्टेबल ड्रेस है। तो अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं, एंड चलिए दिखाती हूँ, मैं भी पहली बार ही जा रही हूँ, क्या है वहाँ पे। वैसे हम पिकनिक करने वाले, बारबेक्यू वगैरह, तो वो सब देखेंगे। लेट्स गो एंड सी। तो यहाँ सब लोग रेडी हो गए, एंड पीछे पूरा सामान, विधान का साइकिल, ओ माय गॉड, तो ये सब रखा है। एंड राजेश जी रेडी, लेट्स गो। पहुंच गए बेर माउंटेन, एंड ये लेक व्यू है, बहुत सुंदर जगह, पर आज बहुत कुछ ज़्यादा ही भीड़ है छुट्टी की वजह से, तो हमें जगह नहीं मिला है। हम लोग यहाँ पे अपना कब्जा जमा लिए, पीछे सामान है, यहाँ पे हम लोग अपना चेयर लगा चुके हैं। रिधान, रिधान बाबू अपना एंजॉय कर रहे पेड़ का अपना लगाने के लिए। हाँ, हवा चल रहा है यहाँ, अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का बारबेक्यू स्टार्ट हो गया। हमारा लंच स्टार्ट हो गया था, एंड चिकन तंदूरी था, साथ में बिरयानी, एंड मैंने पूरी एंड आलू का भुजिया बनाया था, सैलेड था, यहाँ पे पूरा चिकन एंड कॉर्न। तो ये था हमारा आज का लंच। तो मेन था तो ग्रिल करने में बहुत मज़ा आया। Don't go. It's too hot for you. Don't go. It's too hot for you. No. Get in a beer. Done. Beer. Years later. तो हे गाइज, कल हम वहाँ पे गए थे बेर माउंटेन, एंड अच्छी जगह थी, सुकून था। सुकून तो नहीं था क्योंकि कल गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो उसकी वजह से मैं थक बहुत गई थी। इतना रश, मतलब किसी तरह से बस बैठने की जगह मिल रही थी वहाँ पे, अदरवाइज बहुत ज़्यादा रश थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। एंड राजेश के जो फ्रेंड आए थे उनको आने में भी बहुत टाइम लग गया था, तो मैं मतलब बैठे बैठे ही वहाँ पे थक गई थी। घूमने का अच्छा था, ट्रेल वॉक था, एंड अंदर जंगल की तरफ कुछ ट्रेल बना हुआ था जो राजेश और रिधान गए थे, तो मैं नहीं गई थी क्योंकि मैं उतना चल नहीं सकती थी। बोटिंग के लिए रिधान बोल रहा था, पर वो पैडल वाला था, मुझे पैडलिंग करनी नहीं थी। राजेश के ऊपर बर्डन होता और वहाँ भी बहुत बड़ी लाइन थी। तो कल वहाँ जाने के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आया, छुट्टियों में कहीं नहीं जाने का, घर पे बैठने का। वीकेंड्स में जाओ, पर जैसे लॉन्ग वीकेशन होते ना, उसमें कहीं नहीं जाओ, उसमें घर पे ही रहो, क्योंकि हर जगह इतनी रश होती है, पता नहीं कहाँ से लोग आते हैं। तो कल आई रात में, बहुत ज़्यादा थक गई थी, एंड कपड़े मैं बहुत सारे धुल के गई थी, तो रात में ही सबको मैंने फोल्ड करा।
सबको फोल्ड करके ऐसे इतने कपड़े धुले थे दो राउंड में, फोल्ड करके ऐसे ही सो गई थी। अब सबको जगह पे लगाना, घर आधा मैंने कल ही ठीक किया था, पर अभी कुछ कुछ चीजें रखी है वो सब सेट करना है। एंड यहाँ पे हाउस हेल्प नहीं मिलती ना तो बहुत ज्यादा दुख होता है इस टाइम पे, उसकी दिक्कत अलग होती है, सब खुद ही करना है। तो धीरे धीरे करके कल तो बहुत कुछ कर ली थी, किचन वगैरह सब कल ही क्लीन कर ली थी, एंड अभी बस ये सब सामान रख के डीप क्लीनिंग करनी है। एंड कल मैं वहाँ गई थी तो वहाँ से एक बहुत क्यूट सा मैग्नेट ली, तो मैं कहीं भी जाती ना तो मुझे लगता बस उस जगह का मुझे मैग्नेट मिल जाए। तो ये छोटे छोटे पीसेस में 4 पीसेस है, एंड इसको आप अलग अलग लगाओ या एक साथ लगाओ एज यू विश, पर मैं एक साथ ही लगाऊंगी जैसा है यहाँ पे दिख रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला मैग्नेट, बहुत दिन से इस डिजाइन का सर्च कर रही थी पर मुझे मिला फाइनली अब जाके। तो अभी इसको लगाना है एंड घर का काम करना है, लंच बनाना, बहुत सारा काम है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, फिर आपसे मिलते हो। मैं वहाँ से आते ही बहुत सारा काम अपना ख़त्म कर ली थी तो मेरे लिए थोड़ा इजी हो गया था, अदरवाइज कहीं जाने के टाइम पे ना घर इतना फैल जाता, चाहे आप कितना भी उसको क्लीन करके जाओ पर डीक्लटर हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है जो हम जल्दी जल्दी में इधर उधर रख देते। तो कल वहाँ से आने के बाद थक तो बहुत ज़्यादा गई थी पर धीरे धीरे करके मैंने बहुत सारा काम कर लिया था। डिश वॉशर में भी बर्तन लगाना ना एक बहुत बड़ा काम है, फिर उसे खाली करके जगह पर लगाना, तो वो सब करके मैंने साथ के साथ लंच भी बनाते गई थी। एंड हमारा सबका ब्रेकफास्ट ऑलरेडी हो चुका था तब मैं ये वीडियो स्टार्ट करी थी। एंड बहुत सारी ऐसी काम होती है जो छोटी छोटी होती है पर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे ये सारे बैग्स मैं लेके गई थी, जो छोटे छोटे बैग थे वो मैंने कल आते ही धुल दिया था एंड बालकनी में रख दिया था, पर बड़े वाले ना मैं धुल नहीं सकती थी क्योंकि बालकनी में इतना चीज़ हम नहीं टांग सकते यहाँ पे। तो बस मैंने सबको वेट वाइप से क्लीन करा, एंड ये चीज़ ना मैं अपनी मम्मी से सीखी हूँ कि बैग वगैरह भी धुलने का, क्योंकि हम बाहर लेके जाते हैं कैसे लोग, मतलब लोग का नहीं तो हम पब्लिक प्लेस में रखते हैं, कितनी चीज़ें गिरी रहती, कितनी बैक्टीरिया वगैरह रहता। तो ये सब क्लीन करने के बाद मेरा लंच भी रेडी हो गया। आज लंच में राजेश के डिमांड में बना था मेदू बड़ा, तो मैंने मेदू बड़ा बनाया था, साथ में चटनी थी एंड साथ में सांभर बनाया था, काफ़ी अच्छा लगता है, राजेश का फेवरेट है, तो बस यही बना दिया था। इसी के साथ मैं करूँगी इस वीडियो का एंड, बहुत दिन के बाद वीडियो आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना। बाय, लव यू ऑल।